अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। वेलकम स्टूडेंट्स इन टुडेज ऑनलाइन क्लास। हैव फन विद ऑनलाइन स्टडीज, ग्रो विद सक्सेस। डियर स्टूडेंट, we will learn maths of standard 5th about circle, which is the 7th chapter in part 1. Let's go ahead. Students, let us revise the geometrical shapes and figure which we have already done in standard 4th. तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमें revise करना है, इयादा करना है। आप यहाँ नाम लिखे हुए देख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है ज्योमेट्रिकल शेप्स को, उनके नाम भी हमें जानना है। अब यहाँ देखते हैं हम, पहला ये कौन सी तस्वीर है? स्क्वायर। क्या नाम है इसका? स्क्वायर। इसके कितने साइड्स हैं? हाउ मेनी साइड्स स्क्वायर हैव? हाउ मैनी साइड दिस स्क्वायर हैव? है ना, इसके कितने साइड्स हैं? इसके चार साइड्स हैं और चार कॉर्नर्स हैं। दूसरा देखते हैं, ये क्या है? ये है मुसल्लस। उर्दू में हम इसे मुसल्लस कहेंगे और इंग्लिश में है ये ट्राइंगल। ओके, तो इसके कितने साइड्स हैं? हाउ मैनी साइड्स दिस ट्राइंगल हैव? तो थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर्स। ओके, नेक्स्ट है रेक्टेंगल, जिसे हम उर्दू में मुस्ततील भी कहते हैं। अब इसके भी आप देख सकते हैं फोर साइड्स हैं, फोर कॉर्नर्स हैं, है ना, और आमने सामने के जो ज़िले होते हैं वो इक्वल है, बराबर हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा दायरा, जिसे हम सर्कल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सर्कल यानी दायरा के ताल्लुक से मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। What reminds us about circle? क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सर्कल की याद दहानी कराती है या सर्कल नुमा होती हैं, जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं? बैंगल्स, जो के राउंड शेप में होती हैं, और टायर, घड़ी, प्लेट, जो रोज़ाना हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ और भी चीज़ें दी गई हैं सर्कल्स इन एवरीडे लाइफ, जिसमें आसमानी झूला है, पिज़्ज़ा नज़र आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सर्कल नुमा या दायरा नुमा दिखाई दे रही हैं। सो लेट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट सर्कल। हियर व्हाट वी विल लर्न अबाउट सर्कल। आज हम देखेंगे कि हम क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट वन, रेडियस, उर्दू में कहेंगे हम इसे निस्फ कुत्र, डायमीटर कुत्र, कॉर्ड वित्र, इसे हम वित्र कहेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल मुहित, एन आर्क ऑफ अ सर्कल कॉस, इसे हम उर्दू में कहते हैं कॉस, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के दरमियान में और सर्कल के बाहर जो नुकात होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। लास्ट वन है हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल, हमें दायरा कैसे बनाना है सर्कल, उसके बारे में भी हम मालूमात हासिल करेंगे। कंटेंट्स, इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट, नीचे दिए गए हैं अलग अलग नाम जिसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है।
फर्स्ट है मिड पॉइंट, दूसरा है निस्फ कुत्र जिसे हम कहते हैं रेडियस, जैसा कि हमने आपको बताया। उसके आगे है कुत्र जिसे हम कहते हैं डायमीटर। आगे है वित्र जो कि हम कहते हैं उसे कॉर्ड। मुहित, सरकमफ्रेंस, कॉस, आर्क। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मिड पॉइंट के बारे में हम जानेंगे, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सरकमफ्रेंस, आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हियर व्हाट इज अ सर्कल, सर्कल क्या है। अ सर्कल इज अ राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज नो कॉर्नर्स और एजेस। जैसा कि हमने देखा स्क्वायर में, ट्रायंगल में, कि उसमें साइड्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन सर्कल में कोई साइड नहीं होता और ना ही कोई कॉर्नर्स होते हैं। अ सर्कल इज़ अ राउंड शेप फिगर दैट हैज़ नो कॉर्नर्स और एजेस। इन ज्योमेट्री अ सर्कल कैन बी डिफाइंड एज अ क्लोज टू डायमेंशनल कर्व्ड शेप। मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, यहाँ आप देख सकते हैं एक सर्कल है। अब हम देखेंगे मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल। देखा आपने, दरमियान में एक पॉइंट है, नुक्ता है, जिसको नाम दिया गया है M। ये है सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल या मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल हम इसको कहेंगे। यहाँ आपको दो दायरे नज़र आ रहे हैं, दो सर्कल हैं, बीच में आप देख सकते हो सेंटर लिखा है। इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे, लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स है वो सेंटर से अगर उसकी एक लाइन बनाई जाए तो सबका फासला जो होगा, डिस्टेंस जो होगा, बिल्कुल सेम होगा। इसी की तारीफ हम आपको बताएंगे। मस्तवी में एक मुस्तकिल नुक्ते से मसावी फासलों पर वाकई नुकात के सेट को दायरा कहते हैं। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ द सर्कल, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। ये है निस्फ कुत्र, सेंटर से दायरे तक अगर हम खत खींचते हैं तो उसकी लंबाई जो होगी हर खत की वो मसावी होगी, सेम होगी। आप देखते हैं पहला, यह है रेडियस। नाम आप बता सकते हो रेडियस MR या RM। अब एक और खत बनाएंगे, एक और लाइन सेंटर पॉइंट टू सर्कल के लिए। यह है सेकंड रेडियस जिसका नाम है MQ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो इन द गिवन सर्कल द रेडियस आर रेडियस MR, रेडियस MQ, रेडियस MP। डायमीटर, डेफिनेशन ऑफ डायमीटर, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। इन द डायग्राम कॉर्ड AB passes through the center point, therefore called AB is also a diameter of the circle. तो बच्चों आपने देखा कि यह है कुत्र, पहले हमने देखा था रेडियस यानी निस्फ कुत्र, यह है कुत्र जो कि रेडियस का डबल होता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर सेंटर पॉइंट से जाने वाला ये जो खत है वो दायरे की दोनों सतह को छू रहा है, जिसे हम वित्र भी कहेंगे और कुत्र भी कहेंगे। और दायरे का या सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड या वित्र जो होता है वो सेंटर पॉइंट से जाता है, जो कि डायमीटर भी कहलाता है। नेक्स्ट, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, अ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड एज अ कॉर्ड। आपको मिड पॉइंट नजर आ रहा है। अब ऐसी लाइन जो के दो पॉइंट को जोड़ती हो, इन द सर्कल द कॉर्ड्स आर। देखा आपने AB लाइन है जो के क्या है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सेकेंड कॉर्ड EC, ये डायमीटर भी है और कॉर्ड भी है। हमने आपको बताया कि ये सबसे बड़ा कॉर्ड होता है जो कि सेंटर पॉइंट से गुजरता है,
इसका नाम है ईसी। नेक्स्ट है लाइन बीडी, ठीक है। ये क्या थे? सर्कल पे बने हुए, दायरे में बने हुए कॉर्ड, वित्र। चलिए मजीद मालूमात हासिल करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। आप यहाँ देख सकते हैं एक फार्मूला दिया गया है जिसमें अगर आपको रेडियस दिया गया हो और डायमीटर मालूम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। तो 4 × 2 = 8, यानी यहाँ आपका डायमीटर होगा 8 सेंटीमीटर। उसी तरह अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस मालूम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डायमीटर 6 है तो आप उसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 के टेबल में 2 × 3 = 6, इसका मतलब यहाँ पर हमारा रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको मालूम कर सकते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, दायरे का मुहित। चलिए आइए जानते हैं, टेक अ बाउल विथ अ सर्क्यूलर एज, वाइंड अ स्ट्रिंग वंस अराउंड द बाउल एंड मेक अ फुल सर्कल अराउंड इट। तो बच्चों यहाँ पर आप अपना टिफ़िन ले सकते हैं या कोई बाउल ले लीजिए और एक धागे के ज़रिए या दोरी के ज़रिए उसको राउंड में आपको मेजर करना है, फिर उस दोरी को आपको खोलना है और रूलर के ऊपर उसको नापना है। आगे देखते हैं, अनवाइंड द सर्कल एंड स्ट्रेटन इट आउट एज शोन, जैसे कि दिखाया गया है। मेजर द स्ट्रेटन पार्ट विद अ रूलर, उसके बाद आपको फुट रूलर पर या टेप होता है हमारे पास मेजर टेप, उस पर इसको जो है मेजरमेंट देखना है। द लेंथ ऑफ द पार्ट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और ऑफ द बाउल। तो जो भी हमको यहाँ पर मेजरमेंट मिलेगा वो उसका सर्कमफ्रेंस होगा, यानी मुहित हमको मालूम होगा। यहाँ पर बताया गया है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 12 cm and 3 mm। इस तरह हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा सर्कल है उसके अंदर आप देखेंगे कि इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट एंड ऑन द सर्कल, ये चीज़ें हम इसके अंदर मालूम करेंगे। यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है? एक सर्कल है जिसके अंदर की तरफ, इनसाइड, इनर साइड, इंटीरियर साइड में कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ एक्सटीरियर साइड में भी फ्लावर्स हैं और कुछ सर्कल पर आप देखेंगे स्टार्स हैं। तो आपको मालूम करना है बिल्कुल इसी तरह के अंदर कितने पॉइंट हैं, बाहर कितने हैं, दायरे के ऊपर कितने हैं। आप क्या आप बता सकते हैं हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल? गुड, देयर इज 3 फ्लावर्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। एंड हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल? सर्कल के बाहर कितने फूल नज़र आपको आ रहे हैं? तो यहाँ आपको 2 फूल नज़र आ रहे हैं, वेरी गुड, दोनों जो है सर्कल से बाहर है, तो वो है एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। अब सर्कल के जो राउंड है उसके ऊपर भी आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, वो है स्टार्स, है ना। तो ऑन द सर्कल लाइन आपको क्या, कितने स्टार्स नज़र आ रहे हैं? 4, वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरह हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर आपको समझना है इसको कि द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पर आप जो है देखकर हमें बताएंगे कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ अ सर्कल। वेरी गुड, आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि अंदर की तरफ हमको 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से? पी, क्यू, टी, आर, वेरी गुड। ये थे इंटीरियर पार्ट ऑफ अ सर्कल में। अब एक्सटीरियर में जो है वो कौन से पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं जो दायरे से बाहर हैं? वो है ए,
सी बी और डी। ठीक है, अब जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल के ऊपर हैं, है ना, सर्कल लाइन पर हैं। तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन से पॉइंट है जो सर्कल पर हैं, सर्कल लाइन पर? वो हैं के एल एम एन। ओके, अंडरस्टूड? एन आर्क ऑफ अ सर्कल, दायरे का कॉस। तो बच्चों अभी हम समझेंगे दायरे का कॉस, एन आर्क ऑफ अ सर्कल। चलिए देखते हैं, यहाँ दो तस्वीरें दी गई हैं, आप उसे ध्यान से देखिए। Shown alongside is a plastic bangle. If the bangle breaks at point A and B, it will split into two parts as shown in the picture. Each of these parts is an arc of a circle. तो आपने देखा बेटा, यहाँ पर एक बैंगल है, प्लास्टिक की चूड़ी है, जिसके दो टुकड़े हो गए हैं। अब जो पॉइंट से ये टुकड़े हुए हैं उस पॉइंट को नाम दिया गया ए बी। अब ये दोनों भी जो हैं वो दायरे के कॉस हैं। इन दो नुकात की वजह से दायरे के क्या हो गए हैं, दो हिस्से हो गए हैं। इनमें से हर हिस्से को दायरे का कॉस हम कहेंगे। चलिए आगे का फिगर जो है उसे ऑब्जर्व कीजिए। ऑन द गिवन सर्कल देयर आर टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, आपको नजर आ रहा है। दीज टू पॉइंट्स हैव डिवाइडेड द सर्कल इंटू टू पार्ट्स। Each of these parts is an arc of the circle. This means that P and Q have created two arcs. P and Q are the end points of the arcs. चलिए आगे देखते हैं, ऑब्जर्व करें इस सर्कल को। यहाँ पर आपको सर्कल में मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट O नज़र आ रहा है और दो कलर में जो है यहाँ पर आर्क्स बनाए गए हैं। एक आर्क जो है आपको नज़र आ रहा होगा बड़ा है और एक छोटा है, ग्रेटर देन लेस देन, इस तरह हम जो देखते हैं उस तरह से यहाँ भी सर्कल के टू पार्ट्स हो गए हैं। पहला है ग्रीन में आप देख सकते हैं आर्क बी एन ए, और सेकेंड है रेड में आर्क ए एम बी। थिंग्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ सर्कल, अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं सर्कल बनाने के लिए वो कौन सी हैं, तो देखते हैं। पेंसिल, राउंडर, रूलर, ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट फिक्स द पेंसिल टू द कंपास, आपको प्रॉपरली कंपास जो है उसमें पेंसिल को फिट कर लेना है। आपका मेटल टिप और पेंसिल पॉइंट जो है वो इक्वल होना चाहिए एक लाइन में। अब आपको अगर रेडियस दिया गया है तो यू हैव टू मेजर ऑन द रूलर। अब यहाँ आप देख सकते हो किस तरह आपको मेजर करना है, यहाँ 3 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस दिया गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपको एक पेपर शीट पर फिक्स पॉइंट पर आपका मेटल टिप रख देना है और फिर आपको राउंड सर्कल बनाना है। होल्ड द मेटल टिप स्टेडी ऑन द चूजन पॉइंट एंड टर्न द पेंसिल पॉइंट अराउंड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। द शेप क्रिएटेड बाय द पेंसिल पॉइंट विल बी अ सर्कल। इस तरह से आपका सर्कल जो है वो बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल। आपने एक पॉइंट फिक्स किया, फिर आपने राउंडर को राउंड शेप में घुमाया, इस तरह प्रॉपरली आपका जो है सर्कल बनेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। ओके, टेस्ट योर नॉलेज, आज जो भी आपने समझा है, जो भी आपने सीखा है, आपको अपनी नॉलेज को जो है वो चेक करना है। लुक एट द सर्कल, यहाँ पर आज हमने रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर सभी को अच्छी तरह से जाना है। अब आप हमको बताएंगे कि इसमें रेडियस कौन से हैं, कॉर्ड एंड डायमीटर। गौर से देखिए और उसके बाद उसे चेक कीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।
चलिए हम आपको आंसर बताते हैं, फिर आप चेक कीजिए कि आपने सही लिखा या नहीं। चलिए देखते हैं हम। रेडियस, इसमें टोटल 6 रेडियस हैं, एम ए, एम डी, एम सी, एम एफ, एम बी, एम ई। पहले आप देख लीजिए बराबर है या नहीं। नेक्स्ट हमने कहा था कॉर्ड, यहाँ पर कॉर्ड जो है टोटल 5 हैं, जो के हैं जी बी, एफ सी, बी सी, सी ई, बी ई, ठीक है। नेक्स्ट डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर जो है वो 2 हैं, एफ सी, बी ई, है ना। आप देख सकते हैं कॉर्ड में भी एफ सी लिखा है और डायमीटर में भी एफ सी। हमने आपको बताया था, आपको ध्यान में रखना है कि जो मिड पॉइंट से गुजरता है और दोनों सर्कल की लाइन को छूता है उसे कॉर्ड भी कहते हैं और डायमीटर भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होप द लेसन वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड यू हैड अ गुड टाइम लर्निंग अबाउट सर्कल। प्यारे बच्चों, आज का लेसन आपको समझा होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और किताब में दिए गए सर्कल चैप्टर में प्रॉब्लम सेट 28 से लेकर 31 तक आपको सॉल्व करना है, अपने टीचर से चेक करवाना है। प्यारे बच्चों, स्टे एट होम, स्टे सैनिटाइज, मेंटेन हाइजीन, रन फ्रॉम डिजीज, नेवर मिस योर स्टडीज़।